सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम PS5 के जमाने में PS1 पे रिएक्ट करेंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, तो आज हम रिएक्ट करेंगे पन्नियम सेल्वन के ट्रेलर पे। तो आज हम रिएक्ट करेंगे PS1 के ट्रेलर पे, और इसके बारे में मुझे क्या पता है, मुझे पता है सिर्फ एक चीज के बारे में, जो है ऐश्वर्या राय बच्चन। ऐश्वर्या राय बच्चन और इसके डायरेक्टर है मनी रत्नम सर, जो कि बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, बट आई डोंट नो हिम। बट उन्होंने अभी इस मूवी का बजट इतना है कि इसमें दो बाहुबली मूवी बन जाएंगी, तो ये बहुत हाइप दे रहा है मुझे, तो इसका ट्रेलर देखना तो बनता है। और सो लेट्स सी क्या है इसमें, क्या नहीं है इसमें, तो स्टार्ट करें, करते हैं। वन सेकेंड, सो लेट्स स्टार्ट। 1000 वर्ष हुआ बिग स्केल एक्चुअली। चोल साम्राज्य के स्वर्ण युग के आरंभ से पहले कल की आकाश में एक धूमकेतु दिखाई दिया। चोल कुल से किसी एक का बलिदान ये धूमकेतु देगा। ऐसा ऐसा जो सुना तलवार में केवल चौथा जान जुटा जा सकता है। पूजा चल रही थी, तलवार चलते रहा था। जो भी हो, मैं सिंहासन छोड़ने वाला नहीं। सो द म्यूजिक बाय AR रहमान, तो ऑफ कोर्स इट्स वन ऑफ द बेस्ट। म्यूजिकली तो ये मूवी जीत गई, म्यूजिक बहुत ही तेज होने वाला है, बहुत ही तेज होने वाला है। आपको सिंगला जाना होगा, वहां मेरे भाई अरुण मुनि से मिलकर उसे यहाँ लेकर आना पड़ेगा। तंजौर में मैं पैर तक नहीं रखूंगा। क्यों, नंदिनी के कारण? नहीं, तुम्हारे। अरुण मोरी और करिगारन को मिलकर यहाँ आने से हमें रोकना होगा। तो ये था PS1 का ट्रेलर। तो मुझे कैसा लगा ये पर्सनली, तो सबसे बड़ी बात इसके बारे में मुझे लगा इसका म्यूजिक, एंड सेकेंड चीज ऐश्वर्या राय बच्चन। सो ऐश्वर्या इज ब्यूटी ऑफ सिंबल, सिंबल ऑफ ब्यूटी, सॉरी अगेन। तो ऑफ कोर्स ऐश्वर्या इतनी अच्छी दिख रही थी इसमें, इतनी अच्छी दिख रही थी, एंड शी इज आई थिंक 50 हो गई है वो।
आई थिंक शी इज़ द बेस्ट एक्ट्रेस, शी इज़ माई फेवरेट एक्ट्रेस. और जब वो उसको देखा तो लाइक गूज बम्स आने लगे. ऑफकोर्स एक्टर्स को मैं नहीं जानता बट वो भी अच्छे थे. इसमें कुछ भी ओवर द टॉप नहीं था. और बात करें थोड़ी थोड़ी गेम ऑफ थ्रोन्स की वाइब्स आ रही थी और बट लास्ट सीन ने मुझे गूज बम्स दे दिए. म्यूजिक ने मुझे गूज बम्स दे दिए. ऐश्वर्या की एंट्री नहीं, जो भी उनका दिखाई गई क्लिप, उसने गूज बम्स दे दिए. और जो अदर लेडी थी वो भी आई थिंक वो भी बहुत अच्छी एक्टिंग, उनका मेकअप एंड स्टाइल बहुत अच्छा था. एक्शन भी इसमें बहुत ठीक ठाक है. बट आई थिंक वॉट आई थिंक अबाउट नेगेटिविटी की अगर बात करें इसमें, तो ये बात कि इसमें दो बाहुबली मूवी बन सकती हैं, तो इंडिया को तो ओवर द टॉप VFX देखने की आदत है, तो इसमें कोई वाव फैक्टर नहीं है. इसको रियल दिखाया गया है विच इज़ ट्रू. बट आई थिंक कि और इसके साथ विक्रम वेधा भी आने वाली है ऋतिक रोशन की, उस पर भी हम रिएक्ट कर लेंगे. तो आई थिंक उसके साथ इसका क्लैश होना है. पहले गाड़ी की आवाज़ सुन लीजिए आप. तो आई थिंक उसके लेवल पे मूवी है. मैं ये नहीं कह रहा नहीं है, बट आई वॉन्ट कि ये मूवी बहुत बड़ी हिट जाए, ब्लॉकबस्टर जाए. तो शायद मुझे इस पे आई डोंट थिंक, मैं ये नहीं कह रहा मूवी अच्छी नहीं होगी, बट शायद ये उतने पैसे नहीं कमा पाएगी. आप इसके साथ अगर विक्रम वेधा का क्लैश है, ऋतिक की फैन फॉलोइंग है उसके साथ, तो ये देखना बहुत 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 वो होगा. बट अगर ऐसे ट्रेलर की बात करें तो बहुत अच्छा ट्रेलर है, कुछ ओवर द टॉप नहीं है, जो बहुत अच्छी बात है. बट इस वाव फैक्टर भी तो नहीं है इसमें कुछ, सिवाय ऐश्वर्या के. और ऐश्वर्या का भी वाव फैक्टर मुझे लगता है, मैं उसका फैन रहा हूँ तो मेरे लिए वाव फैक्टर होगा, बाकी जनता के लिए होगा कि नहीं होगा आई डोंट नो. तो ये ट्रेलर था, आप बताइए कि कमेंट कीजिए कि आपको इसके बारे में क्या लगता है. और ये चोल साम्राज्य के बारे में था आई थिंक, तो उसके बारे में तो सबने पढ़ा हुआ है, तो हिस्ट्री को देखना बहुत अच्छा होगा इस पर. सो कमेंट बताइए क्या अच्छा क्या बुरा क्या खराब, मैं क्या गलत हूँ इसमें, प्लीज़ बताइए.